नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो प्रोसेसर को जो कि Ryzen 7 4800H प्रोसेसर उसके साथ Intel i7 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1185G7। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सबसे करने सबसे बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डिटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर रिलीज हुआ था 6 जनवरी 2020 को। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर, ये रिलीज हुआ है 2 सितंबर 2020 को। सो रिलीज डेट के मामले में Intel i7 11 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर 64-bit Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टाकोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको 64-bit Tiger Lake UP3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। सो यहां पर देखें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको एक्स्ट्रा कोर्स देखने को मिल जाता है। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतरीन प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं थ्रेड्स के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहां पर देखें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू स्पीड के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.8 गीगाहर्ट्ज़ की। तो ओवरऑल यहां पर सीपीयू स्पीड के बारे में बात करें तो बेस फ्रीक्वेंसी Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको ज्यादा मिल जाता है एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको बेहतर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L1 केस के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको 512 KB की मिलती है। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन पर आपको 320 KB की मिलती है। सो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको L1 केस बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L2 केस के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको 4 MB की मिलती है। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको 5 MB की मिलती है। सो Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको L2 केस बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L3 केस के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको 8 MB की मिलती है। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको 12 MB की मिलती है। सो L3 केस Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जीपीयू के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको AMD Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको इरिस एक्सी ग्राफिक्स G796EU ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1315 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ओवरऑल यहां पर जीपीयू के बारे में बात करें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं RAM के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको क्वाड चैनल RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको 64 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 4266 MHz की। यहां पर आपको मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड मिलता है 68.27 GB/s की। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहां पर भी आपको 64 GB तक का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 4267 MHz की। अगर हम बात करें मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड के बारे में, यहां पर आपको मिल जाता है 58.27 GB/s की। तो ओवरऑल यहां पर RAM के बारे में बात करें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको बेहतर RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो RAM के मामले में Ryzen 7 4800H
4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको 45 वाट का मिल जाता है, Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको 15 वाट का मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर TDP के बारे में बात करें तो Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको लोअर TDP देखने को मिल जाता है। सो TDP के मामले में Intel i7 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं CPU टेंपरेचर के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेंपरेचर मिलता है 105 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेंपरेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो ओवरऑल यहां पर देखें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेंपरेचर के बारे में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको लेटेस्ट जनरेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ECC मेमोरी सपोर्ट के बारे में, जो हम बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोर मेमोरी के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब जान लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेज R20 से। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 480 एंड मल्टी कोर में 3852। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 585 एंड मल्टी कोर में 2244। अब बात कर लेते हैं पासमार्क सीपीयू के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 2717 एंड मल्टी कोर में 19667। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 2833 एंड मल्टी कोर में 10398। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 1179 एंड मल्टी कोर में 6946। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 1633 एंड मल्टी कोर में 5922। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 7 4800H प्रोसेसर विद Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर में आपको फास्टर CPU देखने को मिल जाता है, फास्टर GPU मिल जाता है, ज्यादा आपको कोर मिलता है, मोर थ्रेड्स भी मिल जाता है, CPU टेम्परेचर भी हायर मिल जाता है, उसके साथ आपको मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड भी बहुत ही ज्यादा मिल जाता है, उसके साथ आपको फैब्रिकेशन साइज मतलब आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन उसके प्रोस के बारे में, यहां पर आपको लोअर टीड भी मिलता है, उसके साथ आपको टर्बो क्लॉक स्पीड भी बहुत ही ज्यादा मिल जाता है, रैम स्पीड भी हायर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। सो यहां पर विनर है Ryzen 7 4800H प्रोसेसर। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो या फिर मुझे Instagram पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।